नेताजी मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहे जाने वाले जनपद मैनपुरी में फिर समाजवादी पार्टी ने इतिहास रचा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव ने 2,88,000 से अधिक वोटों से भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को करारी शिकस्त देकर मैनपुरी लोकसभा में एक नया इतिहास रचा है। जनपद के नवीन गल्ला मंडी परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के वोटों की गिनती शुरू हुई। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी 5 विधानसभा करहल, मैनपुरी, भोगांव, किशनी व जसवंत नगर क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बढ़त बनाई, जहां भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य उनके आगे कहीं ना टिक सके। आखिरकार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव ने भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को 2,88,000 से अधिक वोटों से हराया है। जीत का समाचार सुनते ही सपा खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़ों के बीच समर्थक जमकर झूमे और आतिशबाजी चलाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव, पूर्व विधायक सोबरन सिंह यादव, एमएलसी मुकुल यादव, पूर्व एमएलसी अरविंद यादव आदि नेतागणों की मौजूदगी में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को जिला निर्वाचन अधिकारी ने जीत का प्रमाण पत्र दिया है। जीत के बाद प्रमाण पत्र लेकर सैफई पहुंचे सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप सिंह यादव आदि ने नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंच पुष्प अर्पित की है एवं उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बहरहाल पांचों विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव की जीत से क्षेत्र में खुशी का वातावरण बना है। बताते चले कि डिंपल यादव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की धर्मपत्नी एवं नेताजी मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू है। पूरा परिवार नेताजी के आदर्श पर ये जीत रही है। नेताजी ने और हमारे जो विकास किया उसकी जीत है और जो भी यहाँ पर नेताजी के नाम से अब भी नेताजी का जलवा कायम है और रहेगा ऐसे। अधिकारियों ने बहुत दबाव बनाने की कोशिश की लेकिन जनता ने खुल करके बोल दिया। यहाँ पर जो भी मंत्री आते थे सरकार के जितने भी मंत्री आते थे सीधा अधिकारियों से वोट मांगते थे तो उसको बंद कर दो, उसका मुकदमा लिख दो, उसका उत्पीड़न कर दो और वोट कम डाल पाने। तब भी जब वोट नहीं डालने दिया तो जनता ने तब भी नेताजी के आदर्शों पर और विकास पर जनता ने हमारी जीत कराई।